तो दोस्तों आज क्या है, मेरा एक ह्यूम पाइप का फैक्ट्री का विजिट है और इसमें नॉर्मली मैं क्या है ह्यूम पाइप का चेकिंग करूंगा। तो नॉर्मली जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे सबसे इनिशियली ये देखना था कि ये लोग ह्यूम पाइप का क्यूरिंग कैसे करते हैं, और क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि इनके पास ना तो कोई टैंक था ना कुछ था। अब मैंने ये देखा कि ये जो इसका राउंड सर्कल और इसका ये जो मोल्ड होता है वो कैसा होता है और इसमें ये लोग रीबार कैसे इंसर्ट करते हैं, वो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। अभी अब आप ये देखेंगे कि ये जो रीबार है हमारे मोल्ड पे कैसे इन लोगों ने फिक्स किया है और पूरा परमानेंट ये सेटअप देखिए आप। अब इसके बाद मेरा एक और डाउट आया है कि इसको सर्कुलर कैसे क्रिएट करते हैं और कंक्रीट इसमें कैसे फिल करते हैं। तो मैं चला जाता हूँ इनके मेन प्लांट पे जहाँ पे ये लोग इसको रोटेट करके पूरे एकदम बराबर शेप में दे रहे थे और ये कंटिन्यूस रोटेट होता रहता है, देन जिससे इसका शेप इनसाइड का बराबर हो और कॉन्क्रीट ड्राई होने से पहले ही ये इसे बराबर प्रॉपर मोल्ड पे सर्कुलर दे दें। ये कुछ कंक्रीट कास्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अब जब मैंने कहा कि ये जब कास्टिंग हो जाती है मुझे इसकी स्ट्रेंथ भी चेक करनी होती है, तो मैं क्या है यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ भी चेक करता हूँ। देन क्या है ये हमारा इसके थ्रू हम लोग प्रेशर देते हैं और एक पाइप हम लोगों ने ऑलरेडी ह्यूम पाइप रखा है, ये 1 मीटर डाया का पाइप है और ऊपर से हम लोग उस पर प्रेशराइज करके प्रेशर दे रहे हैं। तो इसका जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है, कुछ पाइप में कम भी होता है, तो हम लोग क्या है उसी को चेक करने के लिए लोड टेस्ट करते हैं।